इसकी बुक्कड़ की शक्ल और इस बुक्कड़ की। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको बताऊंगी मेरा डे आउट, बिकॉज आज है संडे और आज मैं अभी 8 बजे जा रही हूँ घर से बाहर, और भी मैं शायद 1 या 2 बजे आने वाली हूँ। तो मेरी शक्ल देख के मत बोलना कि क्यों हो तो इतनी सड़ी सी रखी है, बिकॉज मैं अभी जस्ट उठी हूँ। मैंने मतलब 6 बजे का अलार्म लगाया तो मैं उसमें सो गई, 6:30 का लगाया सो गई। फिर अपने आप नींद खुली तो देखा 7:30 बजे में, मुझे मतलब 8:30 तक पहुँचना था। मैं फटाफट उठ के अभी नहा धो के रेडी होकर जाने वाली हूँ। तो अभी मैं जस्ट नॉर्मल साड़े वाले घर के कपड़ों में हूँ। अभी मैं फटाफट कपड़े चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बैग पैक वगैरह पैक करके, और मतलब कि हमारे मैम ने ऑलरेडी डिसाइड किया कि अगर तुम्हारा 8 से 1 बजे तक क्लासेस है तो तुम उसमें अपना नाश्ता वगैरह भी ले आना। तो मैं अभी वो भी सब करेंगे तो सब करते हो। तो फटाफट हम पहले तो नहा के कपड़े चेंज कर देते। सो गाइस नाउ आई एम रेडी फुली, और मैंने पहना है ये रेड कलर का स्वेट सूट और रेड कलर की एंकल। और अभी मैंने, आप ये मत सोचना कि मौसम ऐसा है, मौसम की वजह से मैंने नहीं पहनी है, बट मेरे जो कोचिंग का वेदर है ना वो लिटरली लाइक ऐसा ही है। मेरा कोचिंग का जो वेदर है ना वो लिटरली ऐसा ही है। वो ना वो जो क्लास है ना उसमें 1 घंटा बैठे थे, 2 घंटा जो लेट था ना ए सी में, तो हमारे मतलब हार्ट पाउट ठंडे हो जाते हैं। फिर मैं 5 घंटा बैठना है, इसलिए मैं थोड़ा सा अपने आप पहले से कवर करके जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी हालत ख़राब हो जाएगी नहीं तो, क्योंकि मेरे से इतनी ज़्यादा ए सी कवर नहीं होने जाती। सो दैट्स व्हाई एंड ओके चलो चलते हैं ना। वो अभी हम रेडी हो चुके हैं, बस बैग पैक करना है, उसके बाद निकलना है। राइट नाउ आई एम लीविंग, और घर की चाबी हाउ टू पुट लॉक, तो लॉक लगाना पड़ेगा। उफ निकल मैंने ना सुबह से कुछ भी लिया नहीं खाने का, तो मैंने अपना ये लिटरली कॉफ़ी पी या चाय, तो मैं एक कॉफ़ी लेने वाली हूँ और थोड़ा सा पैकेट्स, जैसे मैं बोला था नाश्ता कुछ ले जाना पड़ेगा, बिकॉज हम बहुत लेट आने वाले हैं। मतलब 4 से 5 घंटा तो भूख ऑब्वियसली लगेगी, क्योंकि तो कुछ भी नहीं खाया सुबह से, तो इसीलिए आई एम टेकिंग सम मतलब बाइंग सम फूड, वो खरीद लूँ उसके बाद में फिर गॉड। शायद अभी तक लिबर्टी शुरू नहीं हो पाई है, टाइम स्टिल सो स्ट्रेस्ड, क्योंकि अभी मैं शायद फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, कोई आया नहीं अभी तक जो इसलिए। तो गाइस अभी ना एक्चुअली कोई आया नहीं है, फिर मैं थोड़ी देर रुकी थी, अभी मेरे फ्रेंड्स का मैंने उनको कॉल करा, तो बोले तो बस वो निकल गई है, मतलब 5 मिनट से ज़्यादा भी मेरी है, जब तक मैं सोचा कि अपनी कॉफ़ी पी ले थी या बंदर जगह खड़ी हो गई। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो गया। हेलो,
कौन कौन से क्रॉप उग सकते इधर? तो बोला है कि वीट, ये हर एक का खड़े होके एक एक का खींच लेना है तो ना? ये वो आंटी जो अभी खड़े थे ना उधर, क्योंकि जब आ रही थी ना ट्यूशन तब वो तब्बू उधर ही थे ना, पता है तब्बू उधर ही थे, अभी भी उधर ही है। देखो सबसे बढ़िया तो संडे में होता, संडे में एक बार भी ऐसा नाटक इसकी बुक्कड़ की शक्ल और इस बुक्कड़ की अभी निकल गई घर से, अभी जब मैं छोटी और मैं लिटरली पैसे लाना भूल गई थी, तो मैं अभी फटाफट जाकर ऑटो में बैठूंगी, मम्मी नीचे घर के नीचे आकर पैसे दे देंगे। और आज का दिन मेरे को लिटरली नॉर्मल डेज पर जाती हूँ ना मैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब आदत था, पर आज हमारा दिन बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, क्योंकि डायरेक्ट सुबह सुबह पड़ा था, इसलिए आ चुकी हूँ। और अभी मैं डायरेक्ट ऊपर जाऊँगी, कुछ खाऊँगी, बिकॉज मुझे बहुत भूख लगी है, फिर रेडी शेडी होकर हम जाएंगे रिवर फ्रंट पे। सो दिस इज़ व्हाट आई प्लान्ड, ये मेरे तीनों आज का है, लोग 3:30 से 6 PM तक मैं साइंस करूँगी, उसमें 2, 3 और 1 चैप्टर कंप्लीट करना है एज लर्निंग। 7 PM to 8 में मैं इंग्लिश करूँगी, जब 6 से 7 का ब्रेक है, उसके बाद 7 to 8 में मैं इंग्लिश का चैप्टर करूँगी 15 से 10 फीट का। इसके बाद आधा घंटा मैं मैथ्स करने वाली हूँ 8:30 तक, और उसमें भी मैं चैप्टर 13 का एक लास्ट रिकॉल करने वाली हूँ। उसके बाद में मैं 1 घंटा ब्रेक लूँगी, उसके बाद मैं फिर 9 से 10:30 तक मतलब 1.5 घंटा मैं मैथ्स का चैप्टर 7 करूँगी। फिर नेक्स्ट डे सुबह सुबह मैं 5 से 6 SS का चैप्टर 5 कंप्लीट करूँगी, और स्कूल में 8 से 10 बजे तक मैं साइंस का चैप्टर 1 और 9 कंप्लीट करूँगी। सो या दैट्स माई स्टडी प्लान फॉर कल की 10 बजे से ले आज की 3 बजे से लेके कल की 10 बजे तक का। एंड या दैट्स इट। देयर्स नॉट मच टू डू When all I can is thinking about you, not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here, it's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you.